आप इंटरवल में फाइट करके आने वाले हीरो जैसे लग रहे हो। कौन हो आप? बंगा राजा हूँ। क्या चाहिए आपको? बुचैया जी चाहिए। मारोगे क्या? नहीं, बात करूंगा। तो फिर बात करके मारोगे क्या? बात करके चला जाऊंगा। मारने का कोई चांस? ऐसा कुछ नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट। जल्दी जल्दी सर। आपके लिए कौन आया है जरा देखिए। कौन है? मालूम नहीं है इसलिए तो देखने के लिए कह रहा हूँ। मैं सर बंगा राजा हूँ। बंगा राजा ही है। स्वामी मुझे आशीर्वाद दीजिए। सर वो सुनील वर्मा कहाँ है? मुझे अर्जेंटली जानना है। बात करेंगे। तू पहले फ्रेश होकर आ। सर बहुत अर्जेंट है सर। अरे बात करेंगे, बोला ना तू फ्रेश होकर आ। इसे ले जाओ। तू दिखने में तो अच्छे इंसान जैसा लग रहा है लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं है ना। तू उसे कैसे पकड़ेगा? मैं उसे हर हाल में पकड़ूंगा सर। आप सिर्फ एड्रेस दीजिए बस। अगर उसका एड्रेस मैं जानता तो पूरे चेन्नई में मेरे कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करके उसे ही बिना एड्रेस का कर देता। आपकी बेटी को पता होगा, उससे पूछिए ना। ये बात पता चलेगी तो उसको ये भी पता चल जाएगा ना कि तू भी उसके जैसा ही है। बुलाइए ना सर, मैं पिलर के पीछे छुप जाऊंगा। ठीक है। अबे बेबी को नींद से जगा। क्या हुआ, बेबी उठी क्या? पहले आपके लिए एक जोक। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? राजा मौली ने मारने के लिए कहा था क्या? अरे मैंने तुझे बेबी को उठाने के लिए बोला तो पागल जैसा जोक सुनाकर मेरा दिन खराब कर रहा है। बेबी के रूम में गया था, बेबी नहीं है। फिर बालकनी में जाके देखा, वो वहाँ भी नहीं थी। फिर लास्ट में बाथरूम का दरवाजा खोला। क्या कह रहे बे? वो वहाँ भी नहीं थी। सुबह सुबह कहाँ गई? भाग गई। बेबी रूम में नहीं है इसका मतलब भाग गई क्या? लेटर लिख के गई है। लेटर लिख कर गई मतलब भाग गई क्या? डैडी मैं भाग कर जा रही हूँ। डैडी मैं भाग कर जा रही हूँ, आपको डैडी कहकर आखिरी बार पुकार रही हूँ। एसवी ने सब कुछ बता दिया। एसवी कौन है? सुनील वर्मा। ओ, आप किसी से एसवी की एक्टिंग करवा रहे हैं? उसकी एक्टिंग काफी ओवर है। आपकी सोच उससे भी ज्यादा ओवर है। आप बिजनेस में गद्दारी करते थे ये मुझे पता था, पर गद्दारी आपका बिजनेस है ये नहीं जानती थी। मुझे तो कब से पता है। शादीशुदा हीरोइन की पॉपुलैरिटी जैसे खत्म होती है उसी तरह आपके लिए मेरा प्यार खत्म। अब आप मेरी नजरों में किसी जिहादी देशद्रोही गद्दार आतंकवादी से कम नहीं है। ओहो इतनी घटिया सोच। आप मुझे ढूंढिए मत, मुझे पाताल में भी ढूंढेंगे तो मैं मिलूंगी नहीं। तो फिर नहीं मिलेगी। अरे पुरानी सोच के हिसाब से आप मेरे कपड़े जला देंगे, नई सोच के हिसाब से बैंक कार्ड्स ब्लॉक करवाएंगे, आपकी मर्जी। बाय डैडी। सर एक बार वापस पढ़ो, वहाँ पे डैडी नहीं लिखा हुआ, केडी लिखा हुआ। सही। पीएस अबे गोपाल। सर वो मैं हूँ। लेटर पहले तू पढ़ेगा, लेकिन पढ़ के सुनाने से पहले उसे एक जोक सुना देना, वरना उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। के लिए ही जोक सुनाया, कंटिन्यू। पढ़ने के बाद बीपी कम ना हो तो और एक जोक सुना देना। सर तलवार पकड़ के कटप्पा फ्रेम में इंटर होगा, उसके बाद तेरी गर्दन उड़ाएगा कटप्पा। मेरी बेटी कहाँ होगी? वो कहाँ है क्या पता सर। रात को 12:30 बजे होगा सर, फिर बेबी एक ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन के, इतना छोटा सा, देखो ना सर, इतना छोटा सा पहन के फोन से बात करती हुई टैक्सी वॉक करती हुई चली जा रही। शायद कोणार्क एक्सप्रेस कुछ तो याद आ रहा है। बंगा राजा चोर नहीं है, वो बहुत अच्छा आदमी है सर, बस थोड़ा सा मेंटल है सर। सच कह रहा हूँ सर, बहुत बड़ा चोर है, छोड़ना नहीं सर। अभी वो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सर, कल से उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है सर। उसका फोन नंबर भी हमारे पास नहीं है सर, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ। सॉरी सर, इसके पास है। हाँ मेरे पास है सर। हेलो। हाँ बंगा राजा, कहाँ हो तुम? यार मैं अर्जेंटली रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। ऐसी बात है। अरे कौन सा रेलवे स्टेशन जा रहे हो? भोंगी रेलवे स्टेशन, कोणार्क एक्सप्रेस पकड़ने। ठीक है संभल कर जाना। संभल के यार। उसे पकड़ लीजिए सर, एक नंबर का चोर है वो। हाँ गीता। मेरा पासपोर्ट कहाँ है? पासपोर्ट मेरे पैंट की जेब में है। और पैंट कहाँ है? किसकी पैंट? मेरी पैंट कहाँ होगी, मेरी कमर पे है। तुम कहाँ हो? किचन में। माँ? सासू माँ। सास नहीं तुम्हारी तो जान ले लूंगी। कौन है? तुम्हारा दामाद। थैंक्स गीता। मार डालूंगी तुम्हें। मार देगी तो अमेरिका कैसे जाएगी? रुको ना। मैं रुक नहीं सकता, अर्जेंट भोंगी रेलवे स्टेशन जाना है। मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए, आज सबमिट करना है। तो मेरे काम करो, तुम भी रेलवे स्टेशन आ जाओ, वहीं तुम्हारा पासपोर्ट देता हूँ। ठीक है तुम पहुँचो, मैं भी। अच्छा ठीक है, चौधरी सर से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफिकेट भी बनवा देता हूँ। चौधरी सर? अब ये गधा कौन है? ऐसे वैसे नहीं है, बहुत बड़े आदमी है। वो गधे नहीं है, बहुत अकलमंद है, एक नंबर के बदमाश नहीं है, अच्छे इंसान है। ला फोन इधर दे तू।
सुनो बेटी, कट हो गया है सर। वो बहुत गुस्से में थी सर। टेंशन मत ले, स्टेशन पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। गीता तुझे मिल जाएगी, डोंट वरी। सिर्फ गीता से ही नहीं मिलेंगे सर, उस सुनील वर्मा से भी मिलेंगे। सर जल्दी चलिए सर, ट्रेन निकल रही है, ट्रेन छूट रही है सर। नेक्स्ट सन। टिकट जल्दबाजी में चढ़ गई, टिकट लेने का वक्त ही नहीं मिला। टिप टॉप रेडी होने का टाइम है, टिकट लेने का टाइम नहीं है। हेलो टिकट। नो टिकट, आई वाज इन अ हरी, विल टेक इट इन द नेक्स्ट स्टेशन। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? या। वादा निभाना? हां। पक्का? या। डॉक्टर बासा अलियास दुर्वासा, बिना टिकट लिए मेरे ट्रेन में चढ़ना और टिकट लेके नर्क में जाना एक ही है। हैंड्स डाउन। तुमने ट्रेन में क्यों बैठने को बोला? फ्लाइट से हम दोनों आउट ऑफ इंडिया चले जाते। सॉरी, माफ कर दो। मैं भी सॉरी हूँ, तुम हमें गलत समझ बैठी। मेरे बूढ़े बाप ने शॉप वाले आदमी के साथ मिलकर मेरा शो बर्बाद कर दिया। हम अलग भी उनकी वजह से हुए, इसलिए मैं घूम कर आ गई। क्या चिपक कर खड़ी हो, छोड़ दो उसे। अरे छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगी। तुम डरो मत डार्लिंग, इन्हें डैडी के पोस्ट से निकाल कर वॉचमैन की पोस्ट पर ट्रांसफर करेंगे। तुझे तो मैं मेंटल हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दूंगा। इमरान के पप्पी के जैसा, मुन्ना भाई की झप्पी के जैसा मेरा डार्लिंग बहुत प्यारा है। अबे तू तो छोड़ देना। ट्राई कर रहा हूँ सर, मगर आपकी बेटी छोड़ी नहीं रही तो क्या करूँ। यस आई एम बंगा राजा। मेरे डार्लिंग ने कहा इसलिए मैं ट्रेन में चढ़ी, सीट पर बैठने को बोला इसलिए बैठी, उसने मुझे किसी भी स्टेशन पे पिकअप कर लूंगा बोला है इसलिए वेट कर रही हूँ। हम लोग भी वेट करेंगे सर, और कोई चारा ही नहीं है। सुनील वर्मा एक सुनामी है, उसका सामना मत करना। एक बार भी उसका नाम मत लेना मेरे सामने। मेरी बच्ची है फिर भी सोचूंगा नहीं, धक्का मार के बाहर फेंक दूंगा। मेरा ही नसीब बदनसीब। गीता? गीता तुम ट्रेन में क्यों चढ़ी? तुम ट्रेन में क्यों चढ़ी? इस लड़की के लिए। इस लड़की के लिए? इस लड़की के लिए, लेकिन ये मेरी कुछ नहीं है। मतलब इस लड़की को पकड़ के उस तक पहुँचूंगा, इसलिए। वो कौन है? ये है। अब ये बेवकूफ कौन सुनील वर्मा है? मिस्टर चौधरी। हाँ? तो फिर ये कौन है? मेरी लवर है। ओहो, हम दोनों का टेस्ट सेम है। तुझे शर्म नहीं आती? व्हाट्सएप पे जैसे फोटो शेयर करते हैं तुम अपने बॉयफ्रेंड को शेयर करती हो? तुम्हारे जैसी घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। हाँ सही कहा, लेकिन इन्हें घटिया मत कहना। हाँ ये तो ऐसा ही है, मगर मेरा बाप नहीं है। तू मुंह बंद कर और तू सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना। एक मिनट सर, आप बोलिए। बात ये है कि जरा खुलकर बोलिए। बेबी मेरे ऊपर गुस्सा हुई है, इसका मतलब वो मेरी बेटी है। अभी बंगा राजा की बात पर आऊंगा तो मेरी बेटी से प्यार करने वाला ये नहीं बल्कि ये है। मेरा पासपोर्ट दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दे दूंगा गीता। Don't touch me. मुझे मिस करना तुम्हें पसंद नहीं है ना? तुम्हें नहीं, अपने हाथ पर मिस करने से डर रही हूँ। मतलब वो टीटी तो इसी तरफ आ रहा है। हाँ तो बिना टिकट के ट्रैवल किया तो उसे गुस्सा आ जाता है। तो क्या करेगा वो? ट्रेन से बाहर फेंक देगा क्या? हाँ फेंक देगा। उसमें क्या, मैं अपना विजिटिंग कार्ड दिखाऊंगा तो मुझसे शेक हैंड करके मुझे सीट देगा, सीधा मैजिक। सुनो टिकट मुझसे टिकट मांग रहा है। एक दूंगा ना, एक नंबर के लिए चला जाएगा। मैं सीनियर कॉर्पोरेटर हूँ, मुझसे टिकट मांगेगा? तू कॉर्पोरेटर है या कार का कॉर्पोरेटर है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। बिना टिकट के तू मेरे ट्रेन में घुसा कैसे? तुझे सस्पेंड करवा दूंगा। सस्पेंड कराएगा? और क्या? पक्का? यस कराएगा। क्या करेगा? वादा तुझे सस्पेंड करवाऊंगा।
सस्पेंशन नहीं, अवार्ड मिलेगा। रेलवे से गद्दारी नहीं बेवकूफ। टिकट नहीं है, फाइन दूंगा। पक्का? हाँ, लेकिन पर्स किसी ने चुरा लिया। तुम्हारी जिंदगी मैं चुरा लूंगा। एक्सक्यूज मी, मेरा पर्स किसी ने चुरा लिया। तो यहाँ छुपी है, मैंने देख लिया है, तो उससे बाद में निपटूंगा। लोगों का पर्स गुम हो जाता है ना। मेरे पासपोर्ट कहाँ है? छुट्टी में फिल्म देखने जाना, ट्रेन में चोर आना, दोनों बातें कॉमन है। पासपोर्ट कहाँ गया? पासपोर्ट गया? टेंशन मत लो, अभी टेंशन लो, सच में खो गया है। यू इडियट, अब तुम गए। मेरा पासपोर्ट दो मुझे। अरे अरे, तुम मुझे मार रही हो इसलिए नहीं रोका, तुम्हारे हाथ में दर्द ना हो इसलिए रोका। तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहो। तू मुझे छोड़ नहीं पा रहा है ना, पर मैं छोड़ कर जाऊंगी। मेरा पासपोर्ट कहाँ है? मेरी जेब मारने वाला कौन है समझ में नहीं आ रहा है। कहीं वो तो नहीं? थैंक्स। इट्स ओके सर, को 10 रुपए के चने देना सर, कॉम्प्लीमेंट्री। थैंक यू। आप जैसे लोगों के रहते हम कभी परेशान नहीं होंगे। ओके। टिकट सर, थैंक यू। अरे बंगा राजा। अरे रंगा। अरे बंगा। हम फिर मिल गए रे, क्या हाल चाल है? तू तो मोटा हो गया। वैसे जा कहाँ रहा है तू? मैं अपने काम जा रहा था। काम से जा रहा है या काम करते हुए जा रहा है? मेरा दिन अच्छा बीतेगा और 4 पर्स मिलेंगे, ऐसा मुझे किसी महानुभाव ने कहा था। वो मेरा बाप। ओ फुलझड़ी, तू भी इधर? बंगा राजा से शादी करके सेटल होने के लिए स्विट्जरलैंड और हनीमून मनाने वहीं जा रही है क्या? कोनार्क एक्सप्रेस से कोई स्विट्जरलैंड कैसे जा सकता है? स्विट्जरलैंड जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। देख, अगर तूने इसका पासपोर्ट लिया है तो लौटा दे यार। पासपोर्ट मतलब वही ना, एयरपोर्ट में फैशन जैसा हाथ में पकड़ के राशन कार्ड की तरह दिखा रहा था, उसका मैं क्या करूंगा? अरे बस बस बस, ये औरत पता नहीं किसका गुस्सा किसके ऊपर निकालती है। लो देख लो, यही है। ओ अच्छा, यही है तेरी पासबुक? मैं पर्स समझ के चुरा ली था, मुझे क्या पता ले लेगा तू। तो चोरी करने से पहले इंसान का चेहरा नहीं देखता? बोला तो था यार, इस धंधे में कभी भी चेहरा नहीं, सीधा पर्स देखना चाहिए। तू तो इंटेलिजेंट है यार, बिल्कुल हमारे पप्पू की तरह। अरे वाह, आई वांट टू फॉलो 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 फॉलो, आई वांट टू फॉलो फॉलो फॉलो। यहां खड़ा से गीता, छोड़ो मुझे। गीता सुनो, तो मेरी बात तो सुनो तुम। संजना, तुम कहीं जाओ मत, वहीं रहो। डोंट वरी डार्लिंग, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें वो भी चाहिए और मैं भी, ना मुझे छोड़ना है और ना उसे। मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मेरे लिए सिर्फ तुम ही इम्पोर्टेंट हो, इम्पोर्टेंट और कोई नहीं। इम्पोर्टेंट कॉल है। हेलो। अरे तू कहाँ गायब हो गया राजा? मेरा एग्जाम ले रहा है क्या? एग्जाम से मुझे एलर्जी है रे राजा, एक बार एक लेक्चरर ने मेरा एग्जाम रखा था तो मैंने उसे ही मार दिया था राजा। फिर से एग्जाम मत रख, जो बोला वो जल्दी करके आ जा। हाँ मैं आ रहा हूँ। अरे भागने की क्या जरूरत है, ट्रेन ही हमें भगा के ले जा रही है। रंगा, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। क्या हुआ बंगा राजा? बाप रे, बस मारते तुमने पकड़ लिया, तगड़े इंसान हो, लो रख लो। सर, पर्स तो नहीं चुराया लेकिन जरा गोल्ड ले लिया मैंने। उसे पकड़ रहे। सर, आपकी बेटी कहाँ है? उधर है। मुझे लगा वो अभी तक चढ़ी नहीं। अरे वो चढ़ी नहीं होती तो मैं इधर क्या करता? मगर ये नहीं छोड़ेगा मुझे। ये तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। सर सर,
वो लोग सब विदाउट टिकट है। ऑलमोस्ट 15 टिकट्स रेलवे को मुफ्त की सवारी बना रखा है। देखते ही टिकट्स चल रहा है। पागल है क्या? तुझे पता है किसकी ट्रेन में बैठा है? एक झटके में ट्रेन के बाहर होगा तू। क्या है? ओके, आ रही हूँ। बात करो। कौन है? तुम जिसे ढूंढ रहे हो सुनील वर्मा। ए बंगा राजा, तू क्या सुनील वर्मा को ढूंढेगा? सुनील वर्मा की नजर 24 घंटे तुझ पर है। यकीन नहीं होता तो बाहर देख। तू कहाँ जा रहा है? कूदने के लिए। उसके जैसे ही मरेगा तू भी। आजा आजा। अरे सुनील वर्मा, ऐसे मेरे साथ खेलो मत। महादेव साहब से बात करो। तू तो गया। सर, आपकी मूर्ति मैंने नहीं चुराई। मैंने मूर्ति के लिए फोन नहीं किया तुझे। जिस महादेव से सारी दुनिया डरती है, उस महादेव के घर में आने की हिम्मत की, और वो भी 30 लोगों की आंखों में धूल झोंक कर। सर, मेरी बात एक बार सुनिए तो। सर, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तूने मुझे बहुत हर्ट किया है। मैं भी एक चोर हूँ, और मेरे जैसे चोर के घर में तेरे जैसा नालायक चोर घुस आए, ये मुझे मंजूर नहीं। तुझे बड़ा बेटा कहने वाली बुढ़िया को अब तक क्यों नहीं पकड़ा, यही सोच रहा है ना तू? सुनो बेटा। माँ। बेटा। माँ। तूने मेरे इंटेलिजेंस की इंसल्ट की। सर सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मेरा कोई हमशक्ल है सर, सच कह रहा हूँ। तेरी बात सुनकर कैसा लग रहा है बताऊँ? तू कोई सेलिब्रिटी गेस्ट है और मैं तुझे सारी कहानी सुनाने वाला होस्ट हूँ। सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हारी माँ को मार डालूंगा। नहीं सर। उसके बचने के चांस है या नहीं, ये उसके हेल्थ स्टेटस पर डिपेंड करेगा। नहीं सर, नहीं। माँ जी, इधर देखिए। सर सर, मेरी बात तो आपके बारे सर में जो सोचा है वो पूरा करूं। सर, मेरी माँ पर हाथ मत उठाइए। हे भगवान। फोन पर तुझसे बात करते हुए मारने में बड़ी तकलीफ हो रही है मुझे। एक छोटा ब्रेक लेता हूँ और बहुत जल्द वापस आता हूँ।